बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बरकत दे सबके खानों में। आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग, जिसके लिए हमने सरसों का साग लिया है आधा किलो के करीब। और इसके अंदर हमने साबुत शामिल करने के लिए लहसुन लिया है, अदरक भी ली है। इसको आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पीस हमने लिया है अदरक का। 8 से 10 हरी मिर्चें हमने ली है, और कुछ मिर्चें हमने बघार के लिए ली है लाल। और आलन लगाने के लिए हमने बेसन लिया है, और नमक हमने हसबे जरूरत लिया। एक बार फिर से सभी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर हम अपना साग डालेंगे, उसके बाद अब हम इसके अंदर साबुत लहसुन शामिल करेंगे। हरी मिर्चे एक गिलास के करीब, पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसे 15 मिनट तक के लिए आधे से आधे चूल्हे पे कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे साग को पकते हुए। अब हम इसे अच्छे तरीके से घोटेंगे। इसके अंदर जो लहसुन और मिर्च हमने शामिल की थी, उसको अच्छे तरीके से घोटेंगे, और अपने साग को भी 15 मिनट तक इसे घोटेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर और चीजें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अपनी बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे, और इसे अच्छे तरीके से घोटेंगे। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से साग को हमने अपने घोट दिया है। थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर और शामिल किया है। अब हम इसे फिर से ढक्कन से कवर करके कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन से कवर करके। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, साग आप हमारा देख सकते हैं काफी हद तक हो चुका है बिल्कुल रेडी। अच्छे तरीके से ये गल चुका है, बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको तैयार करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना। अब हम इसके अंदर अपना आलन बनाकर डालेंगे बेसन का, इस तरीके से। और एक साइड पे हमारा तेल जल रहा है बघार के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर देसी घी भी ऐड करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर हम अपना आलन शामिल करेंगे। आलन लगाने के बाद हम इसे मुसलसल चलाए जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। हो चुका है साग हमारा रेडी। अब निकाल के बघार के आपको दिखाते हैं कैसा बना। बघार का तेल हमारा अच्छे तरीके से जल चुका है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर हम लाल साबुत मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर बघार शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर असली घी ऐड करेंगे। हो चुका है सरसों का साग हमारा बिल्कुल रेडी। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब इसके अंदर हम अदरक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।